हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट फिजिक्स। और फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है मोशन, और मोशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इस वीडियो में करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास तीन तरह की इक्वेशन है। फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसमें हमारे पास यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन, और t हमारे पास क्या है, टाइम। अब हम जानेंगे इसकी डेरिवेशन। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है, एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आया, a इक्वल्स टू v माइनस में u डिवाइड बाई t। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस में यू। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमारे पास एस क्या है, डिस्टेंस, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सीलरेशन, और टी हमारे पास क्या है, टाइम। अब हम इस इक्वेशन में जानेंगे कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, यानी कि सेकंड इक्वेशन में हमारे पास v नहीं होता। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। अब हमारे पास जो v एवरेज होता है वो क्या होता है, v प्लस में u डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v प्लस में u डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब हम जानेंगे कि सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या नहीं है, v। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू रखेंगे, u प्लस ए टी। अब हमने क्या रखा, s में हमने v की वैल्यू पुट कर दी, u प्लस ए टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2u प्लस में ए टी। तो हमने इसे ऐड कर दिया, u प्लस में u क्या आएगा हमारे पास, 2ut प्लस में ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हम इस 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। नेक्स्ट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। हमारे पास इसमें एस क्या है, डिस्टेंस, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ए हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। अब हम इसमें जानेंगे कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, टाइम। तो हम इसमें किसकी वैल्यू रखेंगे, टाइम की। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, u प्लस v डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब हम जानेंगे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमारे पास वैल्यू नहीं है t की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, v माइनस में u डिवाइड बाय a। तो हम यहाँ पे t की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमने t की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी तो हमारे पास क्या आया, v प्लस में u डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई वी माइनस में यू डिवाइड बाय ए। अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा s से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नेक्स्ट, अनदर मैथड। अब हम जानेंगे थर्ड इक्वेशन को करने का एक अलग मैथड। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हमें t की वैल्यू नहीं पता, यानी कि t नहीं होता, तो उसमें हम वैल्यू किसकी रखेंगे, t की। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सेकंड इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, t की। तो हमने यहाँ पे u t की जगह रख दिया, v माइनस में u डिवाइड बाय a, और t की वैल्यू रख दी v माइनस में u डिवाइड बाय a। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो uv, ये u को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा, uv माइनस में u स्क्वायर अपॉन में a प्लस a। हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहाँ से हमारा एक a से a कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, uv माइनस में u स्क्वायर अपॉन में a प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लिया हमने, a
और 2a में से हमारा एलसीएम कितना आएगा 2a, हमने इसे मल्टीप्लाई करा, ये हमारे पास क्या आया 2uv माइनस में 2u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर माइनस 2uv। अब यहाँ हम देखेंगे 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2u स्क्वायर से प्लस u स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as। इस तरह से हम अनदर मेथड से थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आती है जीरो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो यू हमारे पास क्या आएगा जीरो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ ए बॉडी कम टू रेस्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव होता है और मूव होने के बाद रुक जाता है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास इफ ए बॉडी मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी कार हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होगी, यानी कि स्लो स्लो एक जैसी स्पीड से मूव होगी तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आएगा जीरो, यानी कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा जीरो। एट द लास्ट माई यूट्यूब चैनल इज एजुकेशन भंडारा विच प्रोवाइड इजी स्मार्ट एंड फ्री एजुकेशन फॉर क्लास 9, 10, 11 एंड 12। मोर एंड मोर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।